Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be doing well at home. So this is our second lecture, and in today's lecture we will be doing exercise of the poem The Old Brown Horse. In the previous lecture, as we had discussed that what the poet had said in the poem, and in today's lecture we will be doing its exercise. So now, before I start telling you about your work, all of you have to prepare your copies. So here you can see that all of you have to write your date on the left side of the copy and the day on whatever day you are actually doing your homework on the right side of the copy, and then write homework on this line of your copy. Alright, on the next line you have to mention your poem number 3, and then on the next line you have to write The Old Brown Horse. And as you already have your copies, एक लाइन आपकी कॉपी पे ऑलरेडी इस तरफ होती है लेकिन आप लोगों मेरे पास यहाँ पर दोनों तरफ नहीं थी. सो वट यू हैव टू डू इज़ टू पुट योर मार्जिन लाइन ऑन बोथ साइड ऑफ योर कॉपीज. नाउ आफ्टर दैट लेट्स कम ऑन टू द पेज नंबर 24 ऑफ योर बुक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज वट डू वी लर्न अबाउट द हॉर्स फ्रॉम द अपेरेंस एंड बिहेवियर. पहला सवाल ये है कि घोड़े का जो दिखना है और उसका जो बिहेवियर है, हम उससे घोड़े के बारे में क्या सीखते हैं, यानी कि हमें क्या सीखने को मिलता है. इसका जो जवाब है वो ये दिया गया है, वी लर्न दैट हॉर्स इज़ वेरी. हम ये सीखते हैं कि जो घोड़ा है वो थका हुआ है, ओल्ड बूढ़ा है, शैगी उसकी स्किन लटकी हुई है, एंड अ बिट सैड और थोड़ा सा अफसरदा भी है. बट द हॉर्स रिस्पॉन्ड्स टू ह्यूमन टचेस. लेकिन जो घोड़ा है वो क्या करता है कि जो ह्यूमन का टच है, यानी कि इंसान का जो छूना है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि उसको अच्छा महसूस होता है जब घोड़ा घोड़े को जो है प्यार से सहलाया जाता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ द पोइट आस्क द रीडर टू डू. कि जो इस पोइम में शायर है डब्ल्यू एफ होम्स, वो पढ़ने वाले को रीडर को क्या कहता है करने के लिए. इसका जवाब ये रहा, स्टॉप फॉर अ वाइल, आप कुछ लम्हे के लिए रुक जाएँ, एंड टच हिम सॉफ्टली, और उसको बड़े प्यार से जो है छुएं. ये उस रीडर को जो है वो कहता है, एडवाइस करता है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह से गुजरें, इसका इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप किसी ऐसी जगह से गुजरें, जब आप देखें कि कोई घोड़ा जो है या कोई भी जानवर जो है अकेला खड़ा हो, तो आप कुछ देर के लिए उसके पास रुक कर वक्त ज़रूर गुजारें ताकि उससे भी अच्छा महसूस हो और आप भी थोड़ा नेचर के करीब हो जाएँ. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हेन डज़ द हॉर्स फील दैट लाइफ नाउ इज़ नॉट सो बैड. वो कहते हैं जो घोड़ा है वो ऐसा कब महसूस करता है कि आपकी ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है. द सी क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, और इसका जो जवाब है वो ये है कि द हॉर्स फील्स गुड व्हेन अ पासर बाय स्ट्रोक्स इट्स मेन एंड शैगी कोस्ट. कि जो घोड़ा है वो तब ऐसा अच्छा महसूस करता है जब गुजरने वाला रुकता है, उसके पास आता है, उसके जो बाल हैं, यानी कि जो उसकी गर्दन के ऊपर बाल होते हैं और उसकी लटकी हुई जो स्किन है, उसको छूता है और देखता है, उसको एडमायर करता है उसकी ब्यूटी को. तो ये हमारा पहला पार्ट था इस चैप्टर के क्वेश्चंस का. नाउ ऑन द सेकंड पार्ट आप फिर से देखते हैं कि ये जो कहता है कि दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ द हॉर्स नो लॉन्गर यूज फॉर राइडिंग, गिव एटलीस्ट टू रीजंस. वो कहते हैं कि घोड़ों को अब सवारी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, दो वजूहात तो प्लीज़ लाजमी बताएं. तो उसका जो जवाब है वो कुछ इस तरीके से है कि द हॉर्स इज़ ओल्ड फॉर राइडिंग, के जो घोड़ा है वो सवारी के लिए बूढ़ा हो चुका है. दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न जो है ये था पहला. एंड सेकेंडली, और दूसरा रीज़न वो बताता है, द न्यू मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, के जो सवारी है उसका जो नया ज़रिया है, सच एज़ मोटर कार, जैसे कि गाड़ियाँ हो गई हमारी, हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट. उन्होंने क्या किया है कि ट्रांसपोर्ट में आकर जिद्दत पैदा कर दी है. तो ये इसका जवाब है, द हॉर्स इज़ ओल्ड फॉर राइडिंग, एंड सेकेंडली द न्यू मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट सच एज़ मोटर कार हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट. नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन वंस अगेन. सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, और द क्वेश्चन नंबर ई, हु माइट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर निगलेक्टिंग द हॉर्स, वाई वॉज इट निगलेक्टेड. वो कहते हैं कि जो हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, उसको निगलेक्ट किया गया है, यानी उस पर तवज्जो नहीं दी गई, उस पर से रुझान उठा लिया गया है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है और उसको क्यों निगलेक्ट किया गया है. तो इसका जवाब ये है, द मास्टर, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, मास्टर है, बिकॉज ही इज़ बिज़ी, क्योंकि वो मसरूफ़ रहता है ड्राइविंग हिज मोटर कार, अपनी जो मोटर कार है उसको ड्राइव करने में. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ आफ्टर दैट
Here is the question number F or question number 3 of this part. What would you have done to make the horse last years comfortable? आप ऐसा क्या करेंगे कि जो घोड़ा है वो अपने आखिरी दिनों में कंफर्टेबल महसूस करे, यानी अच्छा महसूस करे, उसे बुरा बिल्कुल ना लगे, यानी उसे ऐसा महसूस ना हो कि उस पर तवज्जो नहीं दी गई. सो द आंसर इज हेयर. I would touch the old brown horse softly and kindly and say few words to make last years of its life comfortable. यानी कि मैं उस घोड़ा जो है उसको प्रॉपर अटेंशन दूंगा, बड़े प्यार से, तहम्मुल से, रहम के साथ उसे पालूंगा ताकि वो अपने आखिरी आयाम जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजार सके और उसे अच्छा महसूस हो कि आखिरी दिनों में भी उस पर पूरी अटेंशन जो है वो दी गई है. नाउ आफ्टर दिस, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. मार्क दी स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स. जो स्टेटमेंट ट्रू होगी आपने उसके आगे इस तरीके के साथ टी लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसके आगे आपने इस तरीके के साथ एफ लिखना है. टिक या क्रॉस नहीं लगाएंगे आप लोग. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द ओल्ड हॉर्स इज़ प्लीज विद लाइफ. बूढ़ा घोड़ा जो है वो अपनी ज़िंदगी से खुश था. तो इसका जो जवाब है वो फॉल्स है क्योंकि वो खुश नहीं था, वो अफसरदा रहता था. सेकेंड है द ओल्ड हॉर्स लाइक्स हैविंग विजिटर्स. उसको विजिटर्स यानी गुजरने वाले अगर उसके पास आए तो अच्छा लगता था. तो द आंसर इज़ ट्रू. पीपल हु ड्राइव पास आर इंटरेस्टेड इन द हॉर्स. वो लोग जो कि ऐसी जगहों से गुजरते हैं उन्हें घोड़ों से दिलचस्पी होती है. सो द आंसर इज़ फॉल्स. द हॉर्स डज नॉट लाइक बींग टच्ड. घोड़े को उसको छुआ जाए बिल्कुल पसंद नहीं था. द आंसर इज़ फॉल्स. एक ही स्टेटमेंट ट्रू हुई है, बाकी सारे फॉल्स हैं. अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं. इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. आपने सिर्फ टिक लगाना है बेसिकली. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. बेसिकली आपके पास एक पूरा का पूरा स्टैंजा दिया हुआ है. ओ थैंक यू फ्रेंड फॉर अ काइंडली थॉट फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हैड हिज डे. और स्टैंजा में ये वाला जो पार्ट है इसको अंडरलाइन किया गया है. अब आपसे वो पूछता है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है या जो अंडरलाइन फ्रेज है, इन तीनों में से इसका सबसे ज़्यादा सूटेबल मतलब कौन सा है, जो है आपने उस पर टिक लगा देना है. तो पहला है हैज़ बिकम टायर्ड ऑफ हिज लाइफ, सेकेंड हैज़ लिव्ड थ्रू अनदर डे, या तीसरा हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड. तो इसका जवाब है ऑप्शन सी कि अब वो बूढ़ा हो चुका है. हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड. सो दिस वॉज आर सेकेंड लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एंड यू विल डू इट प्रॉपरली एट होम. थैंक यू सो मच.